पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर, धांधली को लेकर, भर्ती में एक बड़ा खुलासे को लेकर, जिसमें एलटीए प्रवक्ता पदों पर जो है धांधली किस तरह किया गया है और इसमें अधिकारी लेवल तक के यहाँ पर जो गिरफ्तार कर ले हैं, एक गिरफ्तार हो चुका है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपके जो उत्तराखंड में अशासकीय स्कूल में भर्ती हुई थी उसमें भ्रष्टाचार का आरोपी पटल सहायक गिरफ्तार। तो यहाँ पर एक सहायक गिरफ्तार कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर देखते हैं कि वीडियो स्टिंग मामले में बताया गया है कि खुलासा हुआ है और इसमें जो है सीओ और डीओ पर भी यहाँ पर जो है आरोप लगाया, तो अधिकारियों पर भी आरोप लगाया गया है और कहा है कि पौड़ी में जो पौड़ी का ताज़ा मामला है, इसमें यहाँ पर चर्चित स्टिंग प्रकरण में पुलिस ने जो है पटल सहायक को गिरफ्तार कर लिया है और इस स्टिंग में जो है शिक्षा विभाग के अफसरों को पैसा का जो है लेन देन करते दिखाया गया। तो इसमें जो है पैसे का लेन देन करते हुए दिखाई गई इस वीडियो में, जबकि पौड़ी निवासी जो आशुतोष नेगी है, उन्होंने पुलिस को इस मामले में जो है शिकायत पत्र वह स्ट्रिंग का वीडियो दिया है, तो वीडियो भी दिया गया है और एसएसपी ने जो है पटल सहायक की गिरफ्तारी की पुष्टि की। तो यहाँ पुलिस ने कहा है कि पटल सहायक को जो है हमने गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में जो सीओ हैं और डीओ हैं उनका भी मामला सामने आ रखा है और यह मामला था। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग में अशासकीय विद्यालय भ्रष्टाचार को लेकर स्ट्रिंग वीडियो मामला 2018 का था और पुलिस को शिकायत मिलने के बाद यहाँ पर जो है पूरे मामले की जांच शुरू हुई और इसमें स्ट्रिंग वीडियो में पुलिस ने जो है जांच के बाद चंडीगढ़ प्रयोगशाला भेजा और शासन से आदेश मिलने के बाद पौड़ी कोतवाली में जो है दिसंबर 2022 को शिक्षा विभाग के तत्काल मुख्य शिक्षा अधिकारी MS रावत के साथ ही तत्कालीन जो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक है हरिराम यादव और पटल सहायक जो दिनेश घरेला इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तो यहाँ पर इसी वजह से रोक भी लगी है क्योंकि पौड़ी में 2-3 मामले आए थे और हरिद्वार में भी, और जिसमें एलटीए प्रवक्ता में जो अशासकीय स्कूलों की भर्ती हुई थी इस पर जो आरोप लगाए थे उसका वीडियो भी दिया गया है, उसकी जांच करने को लेकर भेजा गया था। जांच में पुष्टि हो चुकी है और इसमें SSP ने कहा कि जो पटल सहायक है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कब क्या हुआ पूरा का पूरा मामला इसमें दर्ज है जो कि आप लोग देखते हैं और इसमें जो है भर्ती हुई में काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी और इसी के रिगार्डिंग जो है भर्ती पर रोक भी लगाई गई है आपकी।